गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। आज हम लोग क्लास सिक्स चैप्टर वन कंप्यूटर स्टोर का डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर स्टोर का डेवलपमेंट में सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर्स जो है, कंप्यूटर्स क्यों बना, क्यों इस्तेमाल किया गया, क्यों मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अगर हम एंशियंट काल में जाएं तो उस समय लोगों को काउंटिंग करने की आवश्यकता पड़ी, है ना। जैसे कि अपने कैटल्स वगैरह को काउंट करने की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने फिंगर्स का इस्तेमाल करके या फिर मतलब गिट्टी वगैरह छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उससे लाइन खींच कर उन्होंने काउंटिंग करना शुरू किया। इसी दरमियान हम बात करें तो धीरे धीरे लगभग 80,000 BC एबेकस, जो कि चाइना ने आविष्कार किया, ठीक है। ये क्या था? दिस इज अ मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ वुडन फ्रेम्स एंड बिट्स। उसमें एक वुडन फ्रेम्स और बिट्स लगे हुए थे जिसकी सहायता से कैलकुलेशन होने लगा, क्योंकि फर्स्ट ये मैनुअल डिवाइस था। उसके बाद धीरे धीरे जब एक चीज बन गया तो लोग उसको देखकर फिर आगे दिमाग लगाते जाते, है ना। उन्होंने नेपियर बॉन्स 1617 AD में बनाया, ठीक है। ये जॉन नेपियर ने 1617 AD में बनाया। दिस इज द आल्सो अ मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस जिस डिवाइस कंसिस्टिंग अ सेट ऑफ 10 रेक्टेंगुलर आइवरी बीट्स। उसके बाद पास्कल आए, ब्लेज पास्कल ने 1642 AD में इसका आविष्कार किया, और ये कहता दिस इज द मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब ये फर्स्ट इसको हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल डिवाइस था, मैकेनिकल, ठीक है। इसमें वुवेन व्हील्स लगे हुए थे, ठीक है, इसलिए मैकेनिकल डिवाइस बना। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते स्टीफन डॉक्टर का आविष्कार हुआ 1671 AD। ये भी क्या था? दिस इज द कैलकुलेटिंग मशीन दैट कुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मतलब ये ऐसा कैलकुलेटिंग मशीन था जहां से डिवाइड और मल्टीप्लाई भी शुरू। डिफरेंस इंजन 1822 एंड एनालिटिकल इंजन 1833। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन जो बनाए थे उसमें उन्होंने इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज, है ना, यानी कि फर्स्ट टाइम मेमोरी का इस्तेमाल किया था स्टोरेज डिवाइस का। और इसी एनालिटिकल इंजन्स को देखते हुए हमारा पहला कंप्यूटर इनियन का आविष्कार हुआ था, ठीक है। इसी कंप्यूटर को देखते हुए, ठीक है, मतलब इसी को देखते हुए, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबलेटिंग मशीन जो 1887 AD में आविष्कार हुआ था, फॉरलर्नर ऑफ आईबीएम इंडिया से डॉक्टर हर्मन होलीरोथ इन्वेंटेड द टेबलेटिंग मशीन एंड विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द यूएस सेंसस। नेक्स्ट मार्क वन कंप्यूटर, ये मार्क वन कंप्यूटर 1943 AD में इसका आविष्कार हुआ, और दिस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था जो डेवलप हुआ था बाय ये हॉवर्ड एच एकेंट के द्वारा, ठीक है। ENIAC, ये दिस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जो पहला हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर था। उसके बाद आया इनवैक। इनवैक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दिस वाज द फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर विच लर्न ऑन स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस। देन यूनिवैक, इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर विच वाज वेरी कॉम्पैक्ट साइज एंड कुड बी प्लेस इजीली। तो इस तरह से इसके बाद फिर हमारा जो कंप्यूटर का है आगे धीरे 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 उसमें एडवांस होते गया, है ना, आगे बढ़ते गए हम, और इससे बेहतर
आते ही जब ये लेकर आया था तो ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था, साइज भी बहुत बड़ा, लगभग 18 स्क्वायर फीट बड़ा कंप्यूटर था, है ना। इसको चलाने के लिए एसी की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और ये जब मतलब चलता था तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत खर्चा था, बहुत मतलब महंगा कंप्यूटर था, ठीक है। सबके पास का चीज़ नहीं था खरीदना, लेकिन जैसे जैसे आगे एडवांस होते गया, टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया, उस तरह से हमारा कंप्यूटर जो है वो सस्ता होते गया, फास्ट होते गया, ठीक है। तो आप हम इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अभी हमने पार्ट वन में पढ़ाइए कि कैसे हमारा कंप्यूटर मतलब आया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, थैंक यू।